प्रदेश, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। आगरा का अपना शहर, प्रतिष्ठित ताजमहल स्मारक का घर है। ताजमहल स्मारक एक विशाल गुंबददार सफेद संगमरमर का मकबरा 17वीं शताब्दी के मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी को सम्मानित करना। पास ही आगरा किले की लाल ईंट की दीवारें हैं, जो कि एक महलनुमा महल है 16वीं और 17वीं शताब्दी तक। राजधानी लखनऊ में मुस्लिम स्मारक, तीर्थ स्थल है इमामबाड़ा और सुशोभित छोटा इमामबाड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर आगरा। भारत में आगरा वास्तु शिल्प चमत्कारों का शहर है। दुनिया के सात अजूबे, ताजमहल, आगरा। आगरा मुगल सम्राट शाहजहां की राजधानी था और उनकी आकर्षक रानी मुमताज महल वाराणसी। वाराणसी वास्तव में इसकी पूर्व ऐतिहासिकता के साथ, इसके विश्व प्रसिद्ध नदी घाट, इसके मंदिर और इसकी प्यारी साड़ियाँ, ये एक सच्चे नीले भारत के अनुभव में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक यात्रा है। भारत के लिए यात्राएं निश्चित रूप से पूरी नहीं होती हैं यदि यात्रा कार्यक्रम में वाराणसी के दौरे शामिल नहीं हैं। इतिहास से पुराना, परंपरा से पुराना, किंवदंती से भी पुराना, और उन सभी को एक साथ लगाए जाने के साथ दुगना दिखता है। सरनाथ भारत के सबसे श्रद्धेय बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक, उत्तर प्रदेश राज्य में सारनाथ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले उपदेश का प्रचार किया। सारनाथ भारत में बौद्ध तीर्थ यात्रा के चार पवित्रतम स्थलों में से एक है। लखनऊ की विरासत और शाही वैभव लोगों को हमेशा रोमांचित करता है। पूरी दुनिया में अवध का परिवेश सामान्यता से संबंधित रहा है। इत्मीनान की आदतें, बड़ा शिष्टाचार, प्रभावशाली वास्तुकला, समृद्धि भोजन और शोधन, नवाबी संस्कृति के अवशेष। अलाहाबाद एक ऐसा शहर जिसका इतिहास प्राचीन काल से है, जो इलाहाबाद शहर का संपूर्ण हिस्सा है। भारत की विरासत के साथ साथ उसकी संस्कृति को भी इस तरह से आकार दिया है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शहर की लगभग संपूर्ण कलाकृतियों से भरा हुआ है, जिनमें से अधिकांश एक विशेष स्पर्श जोड़ते हैं भारत और उसके लोगों पर इलाहाबाद की सशक्त भूमिका। फतेहपुर सिकरी रिग्नटी की हवा में रहने वाला, जिसे मुगल सम्राटों की विशेषता कहा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी आज भी भारत में मुगलों के शासनकाल के सबसे कीमती अवशेषों में से एक है। एक इतिहास से घिरा हुआ है जो सदियों से प्राचीन काल से है। टूर टू फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के दौरे के सबसे गूढ़ हिस्सों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आकर्षण उत्तर प्रदेश। आगरा फोर्ट। आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। ये मुख्य निवास स्थान था 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राट, जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा कब्जा करने से पहले अंतिम भारतीय शासकों ने इस पर कब्जा कर लिया था।
इट ड्यूटी डॉलर। आइटम ड्यूटी डॉलर का मकबरा आगरा शहर में एक मुगल मकबरा है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, अक्सर ज्वेल बॉक्स के रूप में वर्णित। कभी कभी बेबी ताज, जिसे इत्तेमाद-उद-दौला का मकबरा भी कहा जाता है, अक्सर ताजमहल का एक प्रारूप माना जाता है। टूम अकबर द ग्रेट। अकबर का मकबरा मुगल सम्राट अकबर और का मकबरा है एक महत्वपूर्ण मुगल वास्तुशिल्प कृति। ये 1604-1613 में बनाया गया था और 119 एकड़ जमीन में स्थित है। सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश भारत का एक 12 मंबर। आसफी इमामबाड़ा, जिसे बड़े इमामबाड़ा के रूप में भी जाना जाता है, 12 इमामबाड़ा भारत के लखनऊ में एक मस्जिद परिसर है। 1784 में आसिफ-उद-दौला अवध के नवाब द्वारा निर्मित, इसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा या जीत का द्वार 1572 में बनाया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत का स्मरण किया। ये फतेहपुर सीकरी में महल का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि भारत के आगरा से 43 किलोमीटर। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बाजार। शिल्पग्राम। सदर बाजार। हजरत गंज। हलवासिया मार्केट। लाटू रोड। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंजन भरवान चिकन पसंडा। एक सच्चे नीले शाही विनम्रता, हार्दिक और पौष्टिक चिकन स्तनों के साथ भरवा एक समृद्ध खोआ पनीर मिश्रण और एक सुस्वाद नारियल का जूस सॉस के साथ बूंदा बांदी। मटन कोफ्ता। ये डिनर टेबल पर एक विजेता है। इसे कबाब के रूप में सुखाया जा सकता है या एक मोटी ग्रेवी के साथ, जो बासमती चावल के साथ अच्छी तरह से मिलती है। अरहर की दाल। अरहर की दाल एक प्लेट चावल पर टपकी, एक साधारण रोजमर्रा की क्लासिक रेसिपी। यहाँ तक कि एक नौसिखिया भी इसे मास्टर कर सकता है। राज्य के हर घर में इसका अपना संस्करण होना निश्चित है। काकोरी कबाब। ये लखनऊ के बाहरी इलाके काकोरी शहर से अपना नाम प्राप्त करता है। इसे मेमने के बेहतरीन मांस और कुछ मसालों के साथ बनाया जाता है। भिंडी का सालन। नुस्खा प्रामाणिक मिर्च का सालन को विस्ट करता है और इसके स्थान पर भिंडी का उपयोग करता है। खस्ता तला हुआ भिंडी मसालों के एक मेल के साथ जिंगी दही आधारित ग्रेवी में डूबा हुआ। आलू रसदार। एक त्वरित और आसान भोग किराया। ये उत्सव के अवसर हो या उन लोगों में से दोपहर, आलू पूरी एक पसंदीदा भोजन है। उत्तर प्रदेश में परिवहन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भारत में अंतर्राज्यीय संचालन और अंतर्राज्यीय बस सेवा है। उत्तर भारत में बसों का सबसे अधिक बेड़ा। और निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश, इंडिया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2018 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 22,79,20,005। उत्तर प्रदेश में अपराध दर 2018 और 2017 में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और सिर्फ एक दर्ज किया गया था 2016 में पीरियड के दौरान, लेकिन रेप के मामले में ऐसा दिखा। 2018 में जुलाई तक 9,866 अपराधियों ने अपनी बेल सरेंडर कर दी और राज्य सरकार की सख्ती के कारण जेल गए। उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना। उत्तर प्रदेश केंद्र के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास को देखने के लिए तैयार है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की प्रायोजित योजना कुल 11,421 करोड़ रुपए का व्यय होगा। बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर राज्य। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा। उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषाएं हिंदी, उर्दू। शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में एमिटी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में पूजा स्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है भगवान शिव को। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और शिव मंदिरों के पवित्रतम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बांके बिहारी टेंपल। श्री बांके बिहारी मंदिर एक हिंदू मंदिर है भगवान कृष्ण को समर्पित। मथुरा जिले में पवित्र नगरी वृंदावन उत्तर प्रदेश का धामक स्तूप। धामिक स्तूप सारनाथ से 13 किमी दूर स्थित एक विशाल स्तूप है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी। स्तूप की उत्पत्ति पूर्व बौद्ध तुमली के रूप में हुई जिसमें तपस्वी ने एक बैठा स्थिति में दफनाया गया जिसे चैत्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों की अच्छी संख्या है जैसे वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और कई अन्य। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद हुए $650 बिलियन 2014 से 2015 है जो कई देशों से अधिक है जैसे आइसलैंड, मोनाको, बांग्लादेश, स्लोवाकिया, ओमान, अंगोला, हंगरी और कई अन्य। प्राचीन और मध्यकाल में उत्तर प्रदेश बहुतों का घर था। मुगलों, मगध, कुषाण, पाल, राष्ट्रकूट, मौर्य और नंद जैसे शक्तिशाली साम्राज्य। उत्तर प्रदेश ने हिंदी के कई महान लेखक दिए हैं जैसे कि प्रेमचंद, कबीरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा और कई अन्य। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इलाहाबाद में कुंभ मेला होता है। भारत की तीन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। यहाँ कुंभ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति वृष में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हैं।